गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, इसको पिया नहीं जा सकता। लेकिन तमिलनाडु के बिलुंटी तीर्थम का एक कुआं साइंटिस्ट को भी हैरत में डाल देता है। ये कुआं समुद्र के बीच में होने के बाद भी इस कुएं का पानी बिल्कुल मीठा है, पीने योग्य है। अगर पुराने लोगों से बात की जाए तो पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम सीता माता को लेकर लंका पर विजय पाकर भारत लौटे थे, उस समय सीता माता को जब प्यास लगी तो भगवान श्री राम ने अपने तीर की मदद से इस कुएं का निर्माण किया और तब से अब तक इस कुएं का पानी मीठा है। और तब से अब तक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कुएं की बहुत मान्यता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये समुद्र के बीच मीठे पानी का कुआं? अब गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जूही चावला अपने समय की एक बेहद फेमस अभिनेत्री रही थी, लेकिन अब आकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 5G के खिलाफ एक याचिका दायर की। और उस याचिका में जूही चावला ने कहा कि ये 5G रेडिएशन बहुत खतरनाक होगा और ये रेडिएशन इतना खतरनाक होगा जिससे इंसानों को भी खतरा होगा। मगर सुनवाई में कोर्ट ने जूही चावला से कहा, क्या तुम इस केस के लिए पहले सरकार के पास गई थी? जिसके लिए जूही चावला के पास कोई जवाब नहीं था और कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और इसको जूही चावला का एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। और सिर्फ खारिज ही नहीं किया, जूही चावला और उनकी टीम पर उन्होंने 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगा दिया। जूही चावला को तो ये केस बिल्कुल उल्टा पड़ गया। गाइस, अगर आपको ये दिखाया जाए और कहा जाए कि ये पेट्रोल है तो क्या आप यकीन कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पेट्रोल को हम शुरू से देखते आ रहे हैं वो पीले रंग का होता है, लेकिन वास्तव में पेट्रोल का रंग बिल्कुल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कंफ्यूजन ना रहे लोगों को, कोई दुर्घटना ना घट जाए कि ये पानी है कि पेट्रोल है, इस वजह से पेट्रोल को एक स्पेशल कलर दे दिया जाता है और वो कलर अपने यहाँ पीला दिया जाता है। इस वजह से हमें शुरू से अब तक जो पेट्रोल दिखा है वो पीले रंग का ही दिखा है। और गाइस, ये सिर्फ हम ही नहीं करते, ये दुनिया के सभी देश करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको पेट्रोल का अलग अलग कलर देखने को मिल जाएगा। गाइस, आपने हाईवेज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक स्वर्ग की ओर जाता हुआ हाईवे दिखाते हैं। दरअसल अमेरिका के व्यूमिंग स्टेट में एक हाईवे है जो डायरेक्शन के बायस बिल्कुल लगभग सीधा जाता है और ये हाईवे बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से होकर गुजरता है। जब सर्दियों के समय अंधाधुंध कोहरा पड़ता है, उस समय इस हाईवे को एक स्पेशल पॉइंट से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये सड़क पहाड़ों पर जाते जाते बादलों में चली गई और बादलों से होते हुए सीधा स्वर्ग की ओर जा रही है। तो गाइस, इसीलिए इस हाईवे को हाईवे टू हेवन के नाम से जाना जाता है। गाइस, ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। अगर आपको भी ये स्वर्ग की ओर जाता हुआ हाईवे पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइस, हम अक्सर बात करते हैं सबसे महंगा ये, सबसे महंगा वो, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और सबसे ज़्यादा पौष्टिक शहद कौन सा है? गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलने वाला मनुका हनी है, जिसे यूरोपियन मधुमक्खियों के द्वारा मनुका नामक पेड़ से तैयार किया जाता है। ये शहद इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है कि इसको खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये शहद दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। इस शुद्ध शहद को चोट पर लगाने से घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं और घाव से किसी भी तरह की बदबू भी नहीं आती। और कमाल की बात तो ये है कि किसी भी तरह का घाव भरने के बाद उस जगह किसी भी तरह का निशान भी नहीं रहता। तो इसीलिए ये शहद 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम से भी महंगा बिकता है।